अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस। काइंडली ओपन पेज नंबर 22 इन विच वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 2। इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट में, मैंने आपको डिटेल में समझाया था। पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड एंड फ्रूट्स बनते हैं। सीड जो है वो किस तरह बनता है फ्रूट के अंदर, ये आपको कल यहाँ तक डिस्कस कर दिया था कि फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड जो है बन जाता है फ्रूट के अंदर। और कुछ फ्रूट जो है वो ड्राई होते हैं उनके जो है छिलके, और कुछ जो है वो जूसी और फ्लैशी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। सीड्स अब बन गए, अब वो फैलते कैसे, यानी कि अभी तक तो सीड बने, अब उस सीड से दूसरे पौधे कैसे बनेंगे, कैसे वो स्कैटर्ड होंगे, उनका फैलाव कैसे होगा। व्हेन द सीड्स आर राइप, जब बीज पक जाते हैं, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम द प्लांट, दे मेड देम सो दैट दे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड एंड फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट वेज। जब बीज पक जाते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि कुछ बीज जो है वो आउटसाइड द फ्रूट भी होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके सिर्फ सीड्स लगे हुए होते हैं बाहर, जरूरी नहीं है कि एक फ्रूट के अंदर ही सीड हो। तो जब उनको सीड जब पक जाते हैं तो उनको प्लांट से अलग होना होता है ताकि फिर नया प्लांट बने। और इसी तरीके से तो जब वो कहीं और हटेंगे प्लांट से, कहीं और जाके ग्रो होंगे, जब ही तो न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो अब लिखा हुआ है सीड और फ्रूट डिफरेंट तरीकों से स्कैटर्ड होते हैं। नंबर वन, सम सीड्स लाइक कॉटन सीड होते हैं, जब उनके पास हेयर और विंग्स होते हैं तो वो उड़ते हुए चले आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक रुई का एक टुकड़ा सा आपके पास आ रहा होता है उड़ के, तो वो उसका बीज होता है, कॉटन सीड होता है वो। उनके पास हेयर होते हैं, विंग्स होते हैं, तो आराम से फ्लाई होकर इधर उधर चले आते हैं और फिर वहाँ से वो कहीं और किसी और प्लांट में, नए प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। सम सीड्स लाइक कॉकलबर सीड्स आर कवर्ड विद टाइनी हुक दैट गेट कवर्ड ऑन द फर ऑफ एनिमल और ऑन आर क्लॉथ। कुछ सीड्स होते हैं जिनके पास हुक होते हैं, वो एनिमल के फर में चिपक जाते हैं या फिर हमारे कपड़ों पे आके चिपक जाते हैं। तो फिर इस तरह वो एनिमल जहाँ जाएगा फिर वो इस तरह से वहाँ से गिरेंगे और फिर कहीं और ग्रो हो जाएंगे। सम फ्रूट्स लाइक गावा विथ सीड इन साइड डेम आर एटन बाई बर्ड्स एंड एनिमल, द सीड कम आउट ऑफ द एनिमल बॉडी इन देयर ड्रॉपिंग। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे गावा है, उनकी जो सीड्स हैं अब बर्ड्स उन्हें खा रहे हैं, अक्सर तोते चिड़िया कवे उनको खा रहे होते हैं फ्रूट्स को, तो बीज जो है वो उनकी बॉडी में हजम नहीं होता, उनकी बॉडी से ऐसे ही पास आउट हो जाता है। तो फिर जहाँ उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनकी बीट होती है, जब उसमें से जो सीड है वो दोबारा मिट्टी में गिरता है, तो वहाँ पे उनको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वहाँ पे वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। पॉड्स लाइक पी पॉड, पॉड यानी फलियाँ, पॉड माने फलियाँ, जब उस जिस तरह मटर की फलियाँ बर्स्ट ओपन होती हैं, जब वो ड्राई हो जाती हैं, जब मटर की फलियाँ लगे लगे ड्राई हो जाती हैं तो वो, या कोई और सी फलियाँ तो वो ओपन हो जाती हैं, और जब फिर उसे बीज नीचे गिरते हैं तो फिर वहाँ पे दूसरा प्लांट ग्रो हो जाता है। कुछ पौधे जैसे कोकोनट है, पानी में गिरते हैं पानी, क्योंकि कोकोनट प्लांट अक्सर समंदर के किनारे बीचेस पे लगे हुए होते हैं, तो जब वो गिर रहे होते हैं तो उन पानी में गिरते हैं और फिर पानी जो है ना दूर कहीं ले जाके अलग कहीं कर देता है, किसी और आइलैंड में चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, इस तरह फिर वो वहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ सीड पड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होती है, साख्त कैसे होती है। अ सीड हैज आउटर कोट, उनके पास आउटर कोट होता है कहलाता है टेस्टम, ये सीड की हिफाजत करता है। देयर इज अ स्मॉल होल इन द टेस्टर, ये टेस्ट है आउटर कोट है बाहर वाला कोट, इसके अंदर एक होल होता है जिसमें से हवा और पानी अंदर सीड के जाता है। देयर इज अ टाइनी प्लांट इन साइड द सीड, एक बहुत छोटा सा प्लांट होता है सीड के अंदर, वो कहलाता है एम्ब्रियो।
अ सीड आल्सो हैज वन और टू सीड लीफ और कॉल्ड कॉटिलेडन। अच्छा, इसमें से फिर सीड लीफ निकलते हैं वो क्या कहलाता है? कॉटिलेडन। अब बीन सीड पढ़ते हैं। बीन सीड यानी बीन्स आपने अपने घर में यूज़ किए होंगे, खाए होंगे, उनका सीड कैसा होता है? वो किडनी शेप होता है। आपने लोबिया खाई होगी तो लोबिया जो है वो एक बीन है, तो उसका जो, या आपने सेम की फली खाई होगी वो भी एक बीन होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो किडनी शेप होते हैं। इट हैज अ थिन बट टफ टेस्ट्रा विच इज कलर्ड। थिन आपको पता है पतले से टेस्ट्रा होता है उसका, यानी आउटर कवरिंग, कवरिंग जो है वो थिन होती है और कलर्ड होती है। अब बीन सीड इज कॉल्ड अ डाइकोटिलेडन। बीन का सीड जो कहलाता है बीज, वो डाइकोटिलेडन सीड कहलाता है। क्या वजह है? क्योंकि उसके पास दो कोटिलेडन होते हैं, दो पोर्शंस में डिवाइड होता है वो, और उसके स्टोर करता है फूड को एम्ब्रियो में अंटिल इट ग्रो लार्ज इनफ टू मेक इट्स ओन फूड। फिर उसके अंदर दो कोटिलेडन होते हैं, जब उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, तो फिर वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट से एम्ब्रियो बना होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल। मेज सीड, मेज क्या है? मकई का दाना, उसका सीड। देखें आपने मकई का दाना इसी तरीके का होता है। अब इसका क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो टेस्ट्रा। द एंटायर ग्रेन इज मेड अप ऑफ फ्यूज फ्रूट वॉल एंड टेस्ट्रा। पूरा जो फ्रूट वॉल्स और टेस्ट्रा आपस में इसके मिले हुए होते हैं मेज सीड में। आउटर कवरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब मेज सीड इज समवॉट ओवल एंड फ्लैट इन शेप। मकई का बीज ओवल भी होता है और थोड़ा सा फ्लैट शेप में होता है। द फ्लैट सरफेस एट अ नैरो एंड हैज अ ट्रायंगुलर रीजन विच इज द एम्ब्रियो। आपने देखा होगा नीचे की तरफ से ट्रायंगुलर रीजन होता है फ्लैट सरफेस पे, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। और ब्रॉड येलोइश रीजन जो ऊपर का येलो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म कहलाता है। द एंडोस्पर्म कंटेन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टार्च एंड सम ऑयल। इसमें आपने देखा होगा मकई का तेल भी निकालते हैं, तो इसमें कुछ ऑयल भी और प्रोटीन और स्टार्च भी होता है। द एम्ब्रियो लोकेटेड बीनीथ द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कहाँ होता है? बिल्कुल बीनीथ, बिल्कुल नीचे होता है एंडोस्पर्म के। और शीट शेप सिंगल कॉटिलेडन होता है। ये वाले जो सीड है मेज सीड, ये क्या कहलाते हैं? सिंगल कॉटिलेडन होते हैं। जब भी ये मेज का ग्रेन, मेज का बीज, दाना क्या कहलाता है? मोनोकॉटिलेडन। फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन, फंक्शन क्या है कॉटिलेडन का? कॉटिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। कॉटिलेडन का काम होता है जो बेबी प्लांट या एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर उसको प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे। फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन में। सोक अप वाटर एंड सोलिबल सब्सटेंस डिजॉल्विंग स्टोर फूड इज डाइजेस्टेड एंड यूज बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द सीड देन बिगन्स टू जर्मिनेट। फूड स्टोर करता है कॉटिलेडन, वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, सोलिबल सब्सटेंस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर जो फूड उसके अंदर जाता है, तो फिर जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा होता है, छोटा प्लांट बन रहा होता है, वो उस फूड को यूज़ करता है और फिर जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। इन सम सीड द कॉटिलेडन्स आर पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल। कुछ बीजों में कॉटिलेडन्स सॉइल से बाहर निकल आते हैं बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। आपने देखा होगा कुछ बीज होते हैं, कुछ पौधे आप लगाएं, सीड्स आप बीज ग्रो करते हैं, तो साथ में पौधे के साथ ऊपर एक बीज भी आ रहा होता है, तो वो क्या होता है? कॉटिलेडन होता है। हम समझते हैं कि वो बीज ऊपर आ गया तो कॉटिलेडन होता है। दे टर्न ग्रीन एंड एक्ट एज द फर्स्ट लीफ। वो ग्रीन हो जाते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे फर्स्ट लीफ, यानी कि पहले लीफ ही उनका वो होता है द मैनिफेस्ट। अच्छा, कुछ बीजों में नहीं आता, कुछ में डायरेक्ट जो लीफ आ रहे होते हैं, कुछ में ये कॉटिलेडन ऊपर आ रहे होते हैं ग्रीन पार्ट बन के, जो कि लीफ की तरफ एक्ट करते हैं। दे मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर। फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो टिल न्यू लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम। जब तक कि नया लीफ नहीं आ जाता इस स्टेम पे, ये जो है फूड बना रहे होते हैं किसके लिए? जो नया प्लांट बन रहा होता है एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट। जब तक नया लीफ नहीं बनता और वो उनके लिए फूड बनाने के काबिल नहीं होता, ये इनके लिए फोटोसिंथेसिस करके इनका प्लांट का फूड बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब नया लीफ आ जाते हैं दे फॉल ऑफ, फिर वो गिर जाते हैं, इनका वर्क ख़त्म हो जाता है।
जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, व्हेन अ सीड इज सोन इन द ग्राउंड एंड वाटर इट बिगिंस टू ग्रो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन सोक अप वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट. The stored food is digested and respiration begins. The seed begins to germinate. जब एक सीड को ग्राउंड में बोया जाता है, सो किया जाता है और पानी दिया जाता है तो फिर वो बढ़ना शुरू होता है. It begins to grow. Growing start होती है. This process is called germination. जब सीड वाटर एंड सॉइल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसकी मदद से ग्रो करना शुरू करता है, जब सीड ग्रो होता है उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन. फूड जो स्टोर होता है कॉटिलिडन में, यानी सीड में जो फूड स्टोर है, वो वाटर को सोक करता है, यानी कि वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो एब्जॉर्ब करता है. फिर स्टोर फूड जो उसके अंदर है वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है, फिर एनर्जी मिलती है. आपको पहले पढ़ाया था कि जब डाइजेशन होती है और रिस्पायरेशन होती है तो बॉडी में एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी स्टार्ट हुई उसके अंदर और फिर सीड जर्मिनेट करना शुरू हुआ. अच्छा, काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. Germination in which the cotyledons remain below the soil is called hypogeal germination. वो germination जिसमें cotyledon जैसे grow होना शुरू हो seed, तो वो soil के नीचे ही रहे और सिर्फ ऊपर उसके leaves आए या stem आए, shoot आए, वो जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन है. और कुछ सीड होते हैं जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलिडन कम अप अबव द सॉइल इज कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन, जिसमें सॉइल के ऊपर जो है वो सीड आए, कॉटिलिडन आए. आपने देखा होगा कुछ प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, सीड से न्यू प्लांट निकलता है तो ऊपर उसके जो है वो कॉटिलिडन भी आ रहा होता है, सीड ऊपर साथ में आ रहा होता है, तो वो कौन सी जर्मिनेशन होती है? एपिजियल जर्मिनेशन. Now turn the page number 24. Hypogeal germination. इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. पहले ये पिक्चर देखिए, ये एक सीड है, ग्रो किया, मेज सीड है, ये देखिए ग्रो किया, इसके अंदर एम्ब्रियो था पहले से. जब इसको वाटर मिला तो इसमें रूट डेवलप हुई, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, थोड़ा सा सॉइल से ऊपर आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आया, नीचे रूट ग्रो करना शुरू होती हैं, ऊपर से लीव्स ग्रो होते हैं, सॉइल में भी रूट्स ग्रो हो रही हैं, ऊपर लीव ग्रो हो रही है. देखिए विदाउट सीड लीव्स ऊपर आए बस. दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन. और एपीजियल जर्मिनेशन क्या है? ये बीन सीड है, किडनी बीन आपको दिख रहे, बीन्स जो होते हैं उसमें से एम्ब्रियो बाहर आया, ये कॉटिलिडन बाहर आया, रूट्स बढ़ रहे हैं और कॉटिलिडन भी निकल रहा है. उसके बाद ये रूट्स निकल रहे हैं और ये देखिए कॉटिलिडन, ये जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट है, इसका जो सीड का पार्ट है, ये लीफ के साथ ऊपर आ रहा है. फिर देखिए यहाँ पे रूट्स और बढ़े, ये लीव्स और निकला, ये रहा कॉटिलिडन साथ में होता है. अक्सर आपने देखा होगा अगर आपने सीड ग्रो किए हों घर में, तो किसी में सीड ऊपर आ रहा होता है कॉटिलिडन और किसी में नहीं आता, तो जिसमें आ रहा होता है वो एपिजियल जर्मिनेशन है, जिसमें नहीं आ रहा वो हाइपोजियल जर्मिनेशन है. और फिर कुछ दिनों बाद ये हट जाता है, गिर जाता है, जब इसके लीव्स प्रॉपर इस काबिल हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर सके और प्लांट के लिए, पूरी प्लांट बॉडी के लिए फूड प्रिपेयर कर सके. द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा, आपको कल बताया था टेस्टा में एक होल होता है, वहाँ से सीड जो है वो वाटर और एयर एब्जॉर्ब करता है, फिर टेस्टा क्रैक हो जाता है. टेस्टा क्या होता है? आउटर कवरिंग, जिस कवरिंग होती है आउटर सीड की वो क्या कहलाती है? टेस्टा. एंड द रूट ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट, फिर रूट्स निकलती है एम्ब्रियो की बाहर, फिर डाउनवर्ड जो है इसमें लिखा हुआ सीड बढ़ता है
और प्रोटेक्ट होता है इसकी रूट जो है, किससे प्रोटेक्ट होती है, रूट कैप, रूट कैप होता है हर रूट के सिरे पे। फिर शूट जो है वो उसमें लिखा है ऊपर की तरफ बढ़ता है, ग्रो अपवर्ड, न्यू लीव्स ग्रोन ऑन द शूट, शूट पे जो है वो न्यू लीव्स आना शुरू होते हैं और इस तरह न्यू प्लांट बन जाता है। द रूट एंड शूट यूज द फूड स्टोर इन द कॉटिलीडन टू ग्रो। अच्छा, अब रूट और शूट जो है वो अभी कौन सा फूड यूज कर रहे हैं, जो कॉटिलीडन में फूड स्टोर था सीड में वो ग्रो करने के लिए स्टोर कर, यानी कि स्टोर है उनके पास, उससे वो ग्रो हो रहे हैं। एपिजियल जर्मिनेशन, द सीड एब्जॉर्ब्स एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्ट। सीड जो है वो एयर और वाटर एब्जॉर्ब कर रही है टेस्टर के जरिए, सेम यही प्रोसेस। द टेस्टर क्रैक्स, टेस्टर क्रैक होता है और पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच फॉर्म्स द शूट्स बिगिन टू ग्रो, और फिर शूट ग्रो होना शुरू होता है। इट पुल्स द कॉटिलीडन आउट ऑफ द सॉइल। अब जो एम्ब्रियो है वो लीव्स के साथ साथ कॉटिलीडन का पार्ट भी आउट ऑफ द सॉइल जो है पुल करता है। कौन? शूट। एम्ब्रियो जो शूट बन रहा है वो कॉटिलीडन का पार्ट भी अपने साथ पुल करते हुए सॉइल की तरफ ले जाता है। कॉटिलीडन जो है वो प्रोवाइड करता है फूड जब तक कि उसके लीव्स इतने ग्रोन अप नहीं हो जाते कि वो खुद प्रिपेयर करें फूड, जब तक कॉटिलीडन सनलाइट की मौजूदगी में प्रिपेयर कर रहा होता है फूड। ये कौन सी जर्मिनेशन है? एपिजियल जर्मिनेशन। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कौन कौन सी जो है वो कंडीशन ज़रूरी होती है जर्मिनेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं? लाइट, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है सीड को ग्रो करने के लिए। वाटर, पानी, वार्म, एक नॉर्मल टेम्परेचर, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर, और ऑक्सीजन। न्यू प्लांट विदाउट सीड। अब कुछ पौधे हैं जो बगैर बीज के बढ़ते हैं, तो उन प्लांट्स के बारे में आपको अब स्टडी कराएंगे। अभी तक हमने प्लांट विद सीड्स पढ़े थे कि जो सीड्स वाले प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। बेसिकली ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग है, तो इसमें मैंने आपको पहले एनिमल्स पढ़ाया फिर प्लांट पढ़ाया। अब प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास फ्लावर नहीं है, जिनके पास सीड नहीं है, तो वो कैसे ग्रो होते हैं, वो कैसे जो है उनमें रिप्रोडक्शन होती है, उसे देखते हैं। सम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग सीड। कुछ प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जिसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। मॉसेसेस, फर्न्स एंड फंगाई मेक न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। मॉसेसेस, फर्न्स और फंगाई, अब ये नेम आपके लिए न्यू होंगे। मॉसेसेस क्या हैं, फर्न्स क्या हैं और फंगाई क्या हैं? ये सिंपल प्लांट्स हैं। मॉसेसेस बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो सिर्फ ज़मीन ज़मीन पे उगते हैं या दरख्तों की शूट पे उग जाते हैं, बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं, शेडी एरिया में होते हैं, बहुत डैम्प प्लेसेस में होती हैं, मतलब सायादार और गीली गीली जगहों पर मॉसेसेस बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इस तरीके से ये फर्न प्लांट होते हैं, ये भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फंगाई जो है वो सिंगल सेल प्लांट है। तो ये न्यू प्लांट कैसे बनाते हैं, ये स्पोर्स से बनाते हैं। स्पोर क्या है? स्पोर सिंगल सेल है, इनके पास एक स्पोर कैप्सूल होता है, स्पोर कैप्सूल में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं टाइनी, और जब ये हवा चलती है तो इसके ज़रिए फैल जाते हैं, और फिर ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एक स्पोर जो है फिर वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है। स्ट्रॉबेरी प्लांट कैसे ग्रो होता है, देखें। स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस लॉन्ग स्टेम, स्ट्रॉबेरी प्लांट के पास लॉन्ग स्टेम होते हैं जो कि स्प्रेड साइड अवे अलोंग द ग्राउंड, साइड बाय साइड इस तरीके से ग्राउंड में बढ़ते हैं। दिस स्टेम आर कॉल्ड रनर, ये वाले स्टेम रनर कहलाते हैं, और फिर ये जब साइड बाय साइड बढ़ते हैं तो फिर रूट भी इनकी बढ़ती रहती है, इस तरह ये न्यू प्लांट भी बनता रहता है। ये देखिए एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 25 पे स्ट्रॉबेरी प्लांट की। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है, इसके न्यू
रूट्स ग्रो हुए, फिर इसके बाद ये इस तरह साइड बाय साइड हॉरिजेंटली बढ़ रहा है और फिर इसके न्यू रूट्स भी निकलते जा रहे हैं। इस तरीके से स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो होता है। पेज नंबर 25 पे आइए। द पोटैटो डैट वी ईट आर कॉल्ड ट्यूबर। जो हम पोटैटो खाते हैं, जो पार्ट खाते हैं पोटैटो का, वो ट्यूबर्स कहलाता है। ट्यूबर क्या है? स्वेलन पार्ट है स्टेप का डैट ग्रो अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड बढ़ता है। वो स्टेम है, स्टेम आपने हमेशा सुना होगा, आउटसाइड द सॉइल होता है, मगर ये वाले जो पोटैटो है ये अंडरग्राउंड बढ़ता है। अ ट्यूबर हैज स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आईज विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। आपने आलू देखा होगा, आलू में कुछ आपने डॉट्स देखे होंगे, जहाँ से कभी कभी जब आलू पुराने हो जाते हैं तो उसमें से ग्रीन पार्ट निकलना शुरू हो जाता है। तो वो ग्रीन पार्ट, वो जो स्पॉट होता है आलू के अंदर, वो कहलाता है आई। आई के अंदर से न्यू प्लांट निकल रहा होता है। जब वो ग्रीन लीव्स निकलते हैं तो फिर वो अपने रूट्स बना लेते हैं। इसी तरीके से आलू भी ज़मीन पे नीचे फैलते जाते हैं। जैसे एक आलू है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा पोटैटो है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है। इससे ये सब अपने रूट्स नीचे बढ़ाते जाएंगे और लीव्स भी इसके बढ़ते जाएंगे और ये भी ज़मीन में अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इस तरह पोटैटो में रिप्रोडक्शन होती है, स्ट्रॉबेरी में रिप्रोडक्शन होती है। द ब्रायोफाइलम इज अ प्लांट विच हैज थिक फ्लैशी लीफ। टाइनी न्यू प्लांट ग्रो ऑन द एजेस ऑफ इट्स लीव। द न्यू प्लांट फॉल टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। ये ब्रायोफाइलम एक जो है प्लांट है, इसमें लीव्स के साथ ही न्यू लीव्स ग्रो होना शुरू होते हैं। फिर जब ये न्यू लीव्स नीचे ज़मीन पे गिरते हैं तो फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक ये रिप्रोडक्शन का एक इसका तरीका है। सम टाइम अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ पीस ऑफ द प्लांट स्टेम। द पीस इज कॉल्ड अ कटिंग। द न्यू प्लांट ग्रो टू बी सेम एज अ प्लांट इट केम फ्रॉम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे क्रोटन का पौधा है, कुछ उसके स्टेम आपने काट दिया। जब आपने उसका स्टेम काट दिया और उसके चार पांच पीसेस कर दिए, उन चार पांच पीसेस को आप अलग अलग जगह पे गमले में लगाएंगे तो वो न्यू प्लांट बन जाएगा। जबकि आपने पूरा प्लांट कट नहीं किया, किसी प्लांट का एक स्टेम, एक ब्रांच कट की, उस ब्रांच को कट करके आपने बहुत सारे पार्ट में लगा दी। और वो अगर आपने 5 पार्ट में कट करा और उसे 5 पार्ट में ग्रो किया तो वो 5 प्लांट आपके न्यू बन जाएंगे। तो ये भी रिप्रोडक्शन है, न्यू प्लांट बनना, रिप्रोड्यूस होना। इस तरीके से कटिंग होती है, गार्डनर जो है वो लगाते हैं इस तरीके से। अंडरग्राउंड स्टेम डेट आर सोलन विथ स्टोर फूड आर कॉल्ड राइजोम। दे ग्रो साइड अवे टू द सॉइल। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन स्प्रिंग। जिंजर प्लांट हैव राइजोम्स। अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या है? मैंने आपको बताया, जैसे पोटैटो है वो अंडरग्राउंड बढ़ रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इसी तरीके से राइजोम्स निकलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और फिर वो हॉरिजॉन्टली जो है वो बढ़ते हैं सॉइल में और फिर उसमें से न्यू प्लांट निकल जाता है स्प्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, ये देखिए इसमें राइजोम्स निकले हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स निकले हुए होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली बढ़ता है ज़मीन में, सॉइल में। अ कॉम्ब इज अ शॉर्ट स्टेम सॉइलन विथ स्टोर्ड फूड। इट ग्रोज टू फॉर्म न्यू कॉम्ब्स विच सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म न्यू प्लांट। अ ग्लैडुलस प्लांट मेक्स कॉम्ब। ये कॉम्ब की एग्जाम्पल है। ये शॉर्ट स्टेम होता है और स्वेलन होता है फूड से, इसके अंदर फूड होता है। और न्यू कॉम किस तरह बनते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो फिर एक वो न्यू प्लांट बन जाते हैं। अ बल्ब इज मेड ऑफ थिक ओवरलैपिंग लीव्स विच कंटेन स्टोर फूड। ईच बल्ब हैज अ बर्ड इन द सेंटर विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल अनियन। बल्ब जो है वो प्लांट की एक टाइप है जिसमें थिक ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं। आपने प्याज देखी है, प्याज में कितनी सारे जो है वो लीव्स होते हैं, वो जो उसके
वाइट वाइट कलर है उसे लीव्स कहा गया है। वाइट कलर का जो पार्ट होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए होते हैं, यानी कि उसकी तहें होती हैं ना, परतें होती हैं प्याज की, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग लीव्स हैं। इसके अंदर फूड स्टोर है। ईच बल्ब यानी हर एक, ये प्याज है इसको बल्ब कहा गया है, हर प्याज के अंदर एक जो है वो बर्ड है सेंटर में। ये देखिए ये बर्ड है। अब जब ये थोड़े दिन हो जाते हैं तो इसमें से ग्रीन पार्ट निकलना शुरू हो जाता है, न्यू प्लांट आपके घर में ही निकलना शुरू हो जाता है। जब आप उसे ग्रो करोगे तो वो पूरा एक बिकम न्यू प्लांट हो जाएगा। तो हर बल्ब के अंदर एक सेंटर में उसके बर्ड होता है। ये आपको इस पेज में वो प्लांट्स की टाइप बताई गई जो विदआउट सीड रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जिनके पास सीड नहीं होते, और विदाउट सीड ये कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, ये उन प्लांट के बारे में हमने पेज नंबर 24 से 25 तक डिस्कस किया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 27 Fill in the blanks to complete the statement. Exercise number 5. The dash is the part of a plant which makes seed and fruits. Ovary. The parts of flower are arranged in the form of rings called roll. WHORL. The sweet smell. Color and dash of flower attract insect. Sweet smell, color और क्या चीज़ attract करती है insect को, nectar, उनका रस, NECTOR, nectar. A dash pollen tube grows from a pollen grain when it lands on the stigma. कौन सी ट्यूब pollen grain पे grow करेगी, pollen tube ही करेगी, तो pollen लिखिएगा POLLEN, pollen. After fertilization, the dash grows into a seed. Ovule. Ovule grow होता है seed में. OVULE. The wall of the ovary makes the dash. Ovary का wall क्या बनाता है? Fruit. 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 A seed has a hard outer coat called the testa. Seed की जो covering होती है outer, उसे मैंने आपको बताया था testa कहते हैं. T-E-S-T-A, testa. The seed leaves are called, seed के जो leaves होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Cotyledon. C-O-T-Y-L-E-D-O-N-S. CotyledonS. The process by which a seed begins to grow is called germination. वो process जिससे seed grow होना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? Germination. Page number 27 में जो मैंने अभी आपको fill in the blanks fill कराई है, ये आपको book के अंदर ही fill करनी है, book में ही fill करनी है, और इसे लर्न भी करना है। आपका काम यूनिट नंबर 2 का रेडी है असाइनमेंट। आप स्कूल से आइए और उसे लेकर जाइए, इसे फिल करके वापस दीजिए। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी वर्किंग भी रेडी है। स्कूल से आके इसकी वर्किंग आप रिसीव कीजिए, वीडियो दोबारा देखिए और फिर उस वर्किंग को फिल कीजिए। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ हेल्दी बॉडी यूनिट नंबर 3। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।